हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। आज ना सूफिया प्रतापगढ़ी के वीडियो पे मैं बहुत लंबे अरसे बाद रिएक्ट करने वाली हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और ये वीडियो नॉर्मल वीडियो नहीं है, इसके अंदर उन्होंने नात बोली है। वैसे तो ये मुशायरा चल रहा है, पर सभी जितनी भी ऑडियंस है, मेरे को थंबनेल के अंदर दिख रहा था कि उन्होंने अपने हेड कवर कर रखे थे, क्योंकि सूफिया प्रतापगढ़ी ने नात रिसाइट करी है, नात पढ़ी है। और उसकी इज्जत में एवरी वन लाइक मुस्लिम सभी हेड कवर करके बैठते हैं, जैसे हम लोग के पूजा के अंदर हेड कवर करके बैठा जाता है, उसी तरीके से समझ लीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आज एक प्यारी सी नात सुनने मिलेगी एक प्यारे से बच्चे के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप यू विल लव द कॉमेडी रील्स दैट आई पुट देयर। मैं वहाँ पे मजाकिया रीले बनाती हूँ टू एंटरटेन ऑल ऑफ यू। यार एंटरटेन हो जाओगे, मेरी गारंटी। एक बार जाकर के रील्स चेक मारो, यू विल लव। इंसानियत हादी उम्मत शाफ़े महशर साकी कौसर मदनी ताजदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के रोशन तरीन तज़किरे से नातिया कलाम आरास्ता मुज़य्यन होता है। इस मैदान में इस छोटे से शायर को जो मकबूलियत और शोहरत हासिल है वो काबिले रश्क है। आइए मैं इस शेर के साथ दावत सुखन देता हूँ सुफियान प्रतापगढ़ी को कि ए तरन्नुम के जज़ीरे के हंसी शहजादे। क्या बात है। ए तरन्नुम के जजीरे के हसीं शहजादे, मैंने एक नात चुना है तेरे होठों के लिए, बस मेरे हाल पे इतनी सी इनायत कर दे, मेरे इस नात के हर शेर में खुशबू भर दे। आइए सुफियान प्रतापगढ़ी आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। दोस्तों, बर्जी की सरजमी पर मेरी पहली मर्तबा हाजिरी हुई है। शुक्रगुजार हूं इलियास भाई और तैयब भाई का, जिनकी एक छोटी सी दावत पर मेरी हाजिरी हुई है। दोस्तों, जलसे का प्रोग्राम है, ज्यादा तमीज नहीं बांधूंगा, ये सीधे सीधे नाते पाक से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ। पढ़ता हूँ बतौर खास मैम। दयारे पाक का दयारे पाक का मंजर नबी नबी बोले, दयारे पाक का दयारे पाक का मंजर नबी नबी बोले, दयारे पाक का। मैं चाहता हूँ कि आगे से लेकर पीछे तक पूरे मजमे एक बार जोर से बोल लीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यही बोलेंगे। दयारे पाक का दयारे पाक का मंजर नबी नबी बोले, दयारे पाक का दयारे पाक का मंजर नबी शहर का नबी के शहर का घर घर नबी नबी बोले, नबी के शहर का नबी के शहर का घर घर नबी नबी बोले, नबी के शहर का। बहुत अच्छे भाई सुफियान साहब, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। सना रसूल की हम ही फकत नहीं करते, सना रसूल की हम ही फकत नहीं करते, सना रसूल की सना रसूल की हम ही फकत नहीं करते, सना रसूल की हम ही फकत नहीं करते, नबी की शान में कंकर नबी
शान में वफा बिलाल की, वफा बिलाल की है बेमिसाल दुनिया में, वफा बिलाल की है बेमिसाल दुनिया में, वफा बिलाल की, वफा बिलाल की है बेमिसाल दुनिया में, वफा बिलाल की है बेमिसाल दुनिया में। हजारों जुल्म, हजार जुल्म जो सह कर नबी नबी बोले, हजार सह जुल्म नबी नबी बोले, हजार जुल्म। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, चार मिसरे और हाजिर करता हूँ। आइए दोस्तों, चार मिसरे और हाजिर करता हूँ। इरशाद हो और खुसूसी दुआ चाहता हूँ, इलियास भाई की दुआएं चाहते हुए शेर हाजिर करता हूँ। जी जी, 500 रुपए इनाम मिल चुका है इलियास भाई की तरफ से आपको। पूरी तवज्जो आपके ऊपर है उनकी। फकत यही नहीं पढ़ता हूँ बतौर खास, मुलाजा फरमाए साधु। फकत यही नहीं, फकत यही नहीं कि अपनी जान दे दूंगा, फकत यही नहीं, फकत यही वास्ते, नबी के वास्ते सब खानदान दे दूंगा, नबी के वास्ते, नबी के वास्ते सब खानदान दे दूंगा। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि एक बार आगे से लेकर पीछे तक पूरा मजमा जोर से बोल दीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फकत यही नहीं, फकत यही नहीं कि अपनी जान दे दूंगा, फकत यही नहीं कि अपनी जान दे दूंगा, नबी के वास्ते, नबी के वास्ते सब खानदान दे दूंगा, बहुत अच्छे भाई, नबी के वास्ते सब खानदान दे दूंगा। और ये काफिरों ने कहा होठ तेरे सिल दूंगा, ये काफिरों ने, ये काफिरों ने कहा होठ तेरे सिल दूंगा, ये काफिरों ने कहा होठ तेरे सिल दूंगा। बिलाल बोले, बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। क्या कहना भाई, माशाल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। फिर भी अजान दे दूंगा, फकत यही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, माँ के हवाले से चार मिसरे हाजिर करता हूँ। जी जी, माँ के हवाले से। मोहब्बत कने नो मैं काजल नहीं है,
मोहब्बत कनैनो में काजल नहीं है, मेरे साथ चाहत का बादल नहीं है, मेरे साथ चाहत का बादल नहीं है। खुशी मेरे हाथ में माँ का चल नहीं है। आइए दोस्तों चार मिसरे और समाप्त फरमाएं। इरशाद हो जो बूढ़े माँ बाप को अपने घर से बाहर करते हैं, जो बूढ़े को अपने घर से बाहर करते हैं, उनके सर के चारों जानिब उनके सर के चारों जानिब रोज बनाए रहती हैं, उनके सर के चारों जानिब रोज बनाए बात कही। ख्वाब में आकर मेरी माँ ने कल मुझसे एक बात कही, क्या साथ तुम्हारे अभी बेटा मेरी दुआएं रहती हैं, साथ तुम्हारे चल मुसलमान, चल मुसलमान मुसल्ला तले, चल मुसलमान मुसल्ला तले ताकि मस्जिद व फूले भरे, चल मुसलमान मुसल्ला तले। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि एक बार आप सब आगे से लेकर पीछे तक पूरा मजमा जोर से बोल दे ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चल मुसलमान मुसल्ला तले, चल मुसलमान मुसल्ला तले ताकि मस्जिद व फूले फले, चल मुसलमान मुसल्ला तले वो मुआज़िन अज़ान दे रहा है अभी, वो मुआज़िन अज़ान दे रहा है अभी, दर से अमन अमान दे रहा है अभी, दर से अमन अमान दे रहा है अभी, अपने कलमे से तुझको जगा जगा कर सदा, खूबसूरत जगा दे रहा है अभी, अपना कोई भी सजदा टले, चल मुसलमान मुसल्ला तले, चल मुसलमान मुसल्ला तले। वो कपड़ा होता है ना जिसमें बैठ करके नमाज पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा समाने में रुसवा तू,
चलमा मुसल्ला तले, चल मुसल्मा मुसल्ला तले। बहुत अच्छे भाई माशाल्लाह। आइए दोस्तों, मैं वो शेर हाजिर करता हूँ जिसके लिए खुसूसी फरमाइश है इलियास भाई की। पढ़ता हूँ बतौर खास मुल्ला ज़फर मान जी। इरशाद, अपने मौला की इबादत के लिए आए हैं, अपने माँ बाप की खिदमत के लिए आए हैं, अपने माँ बाप की खिदमत के लिए आए हैं। मुक्तदी दुनिया के हर किसी नहीं बन सके तेगम, मुक्तदी दुनिया के हर किसी नहीं बन सके तेगम। हम तो दुनिया में इमामत के लिए बहुत दुनिया में इमामत के लिए आए हैं। आइए दोस्तों चार मिसरी और समाप्त फरमाएं जी। इरशाद, तेरी हयात का सूरज ये ढलने वाला है, हयात का सूरज ये ढलने वाला है, बहुत ही जल्द तेरा दम निकलने वाला है, बहुत ही जल्द तेरा दम निकलने वाला है। ये बात कब दो, ये बात कह दो जरा वक्त के फिरौनों से, तुम्हारे घर से ही, तुम्हारे घर से ही मूसा निकलने वाला है, तुम्हारे घर से ही मूसा निकलने वाला है। बहुत अच्छा आप सबको फिरौन की लाश का, और जो हजरत मूसा है अभी इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया कि इस जमाने के फिरौन से गए, तो फिरौन मतलब समझ रहे हैं ना, आपको फिरौन की जो लाश है उसका किस्सा पता ही होगा। इफ यू आर मुस्लिम या फिर अगर आपका इस्लाम में इंटरेस्ट है तो आपने अच्छे से रीड करा होगा। आई नो द रेफरेंस एंड इट्स क्रेजी। अगर आपको नहीं पता तो गूगल पे जाकर के पढ़ लो, मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि कुछ चीजें खुद भी रिसर्च करनी चाहिए बॉस, और मुझे और भी ढेर सारी बातें करनी है आपसे। द थिंग इज दैट ये बच्चा इतना क्यूट है, इतना प्यारा सा है, जब ये दोस्तों बोलता है ना तो मतलब पिघल जाता है हर इंसान वहीं पे। अभी से इतना ज्यादा फोकस दिखता है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ माय एज आर आल्सो नॉट दिस मच फोकस्ड इन लाइफ, मैच्योरिटी नजर आती है। सो आई रियली अप्रिशिएट दिस किड बहुत, मतलब मैं चाहती हूँ किसी ना किसी दिन मिले मेरे को ये। काफी सारे लोग ऐसे बोलते थे इमरान प्रताप गढ़ी को कि ये तुम्हारा बच्चा है क्या, क्योंकि सरनेम इज सेम तो लोगों को लगता था, पर वो उनके बेटे नहीं है, दोनों प्रतापगढ़ से हैं, ये चीज उनके अंदर कॉमन है। एंड एक और चीज जो कॉमन है वो ये है कि आला दर्जे के शायर। सो हैट्स ऑफ टू सूफिया प्रतापगढ़ी। आज के लिए बस इतना ही, पर इस तरीके की बेहतरीन मुशायरों के साथ, नात की रिएक्शन वीडियोस के साथ मैं आती रहूंगी हमेशा। और आपको मुझसे थोड़ा सा ज्यादा मिलना है तो इंस्टाग्राम पे मिल लो, वहां पे कॉमेडी वीडियोज बनाती हूँ मैं, तो आप पक्का से रिलेट कर पाओगे उधर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, शफा खैर, बाय।